प्यारे बाप दादा ने अपना बनाकर हमें अधीन से अधिकारी बना दिया है। अपना बनाते ही बाबा ने हमें स्व की स्मृति दिलाई, क्योंकि जो अपने आप को भुला हुआ होगा वो अपने आप में शक्तिशाली कैसे हो सकता है। जिनको अपने वास्तविक अस्तित्व की ही समझ नहीं है उसमें शक्ति कहाँ से आएगी, और शक्ति नहीं है तो सत्ता अधिकार कहाँ से होगा। इसलिए बाबा हमें अपनी स्व की स्मृति दिलाते हैं हमें अपने असली यथार्थ स्वरूप की पहचान देते हैं। और जैसे ही वो पहचान मिलती है हम स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं। हमें ये स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि मेरा इन कर्मेंद्रियों से अलग चैतन्य स्वरूप है। मैं स्वयं ही एक शक्ति हूं और इन तत्वों से भिन्न हूं। तो जैसे ही हम पांच तत्वों के बने हुए शरीर से इस मैटर से डिटैच होते हैं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। तो स्वस्थिति की अनुभूति हमें होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बॉडी कॉन्शियस बनते हैं तो शक्ति खर्च होती है, सोल कॉन्शियस बनते हैं तो हमारी शक्ति रिजर्व रहती है। अपने आप में ही शक्ति अनुभव होती है। और जब अपने को बाबा से जोड़ते हैं
तो हमारी शक्ति इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसलिए बाबा के ज्ञान और बाबा की याद दोनों से शक्ति प्राप्त होती है। सही समझ, रियल नॉलेज को पावर कहते हैं। इसलिए ज्ञान और योग हमारा सही अर्थ में हो रहा है उसकी निशानी है कि हमें अपने आप में संयम, सेल्फ कंट्रोल का अनुभव होगा। अपने आप पर कंट्रोल माना अपनी कर्मेंद्रियों पर भी और अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर भी। न परिस्थितियां हमें बहका सकेंगी, न साधन हमें प्रलोभन में ले जाएंगे, न व्यक्ति हमें आकर्षित कर सकेगी। हमें महसूस होता है हमारा जीवन हमारे हाथ में है। भक्ति मार्ग में मन कंट्रोल करने के लिए भी इंद्रियों पर दमन करते हैं, कर्मेंद्रियों को कष्ट देते हैं, हठ क्रियाएं करते हैं। भक्ति में हम कितना सुनते हैं, बाबा ने हमें सहज विधि सिखाई है। सबसे पहले हमें सच्ची समझ दी कि ये कर्मेंद्रियां अपने लौकिक परिवार के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको बेहद का वैराग पैदा अंदर हुआ। पहले पहले वो एकांत में एकाग्रचित करने के लिए अपने फ्रेंड के पास 6 मास के लिए गए और वहां रह करके शुरू में उसने
जो तपस्या की, पहले पहले उसने अपने मन को समझाया। मन को एक बच्चे के रूप में देखा, ये मेरा मन है, कहां कहां घूम रहा है। उसने सोचा ये मन तो घूम रहा है दे अभिमान में, पोजीशन में, संबंध में, जो भी दुनिया के वैभव है, कई प्रकार के वार वार भागता है मेरा मन। उसने शुरू से ही अपने मन को समझाने की कोशिश की, हे मन तू कहाँ जा रहे हो, बातें करता मन से रुहरहान की, खुद मालिक बना। मेरा मन तू कहाँ भटक रहे हो, देह में जा रहे हो, ये देह तेरे को सुख नहीं दे रही है, दुख दे रही है, देह का धर्म दुख देने वाला है। ऐसे कई प्रकार की शुरू शुरू में बाबा ने मन से बातें एकांत में शुरू की, और एक बहुत बड़ा झार बनारस में, जहाँ इसका बाबा का साकार का रहना हुआ 6 मास के लिए, वो फ्रेंड था, उसके पास रहा एकांत के लिए, और वहाँ एक बड़ा बहुत झार है, और उसके नीचे बैठ के बाबा ने एकांत में तपस्या की। जब समय आता है बदलने का, तो संकल्प भी ऐसे बदलने के चलते हैं। शिव बाबा को भी धरनी ठीक करनी थी, क्योंकि पतित शरीर में आना, उसकी आसुरी वृत्तियों को बदल सतोगुरी बनाना, उसके लिए शुरुआत परिवर्तन की रूह रहा मन से थी। धरनी बाबा ने अपने लिए बनाई बुद्धि और संकल्प। बुद्धि है स्मृति की शक्ति, स्मृति कहाँ कहाँ गई उसने नोट किया, तो बुद्धि स्मृतियां मेरे को जहां जहां मेरा संबंध बना हुआ है वहां मेरी स्मृति जाती है, और उससे मेरी आसुरी वृत्तियां बन गई। ये बदलना है। उसने महसूस किया अब मेरे को बदलना है। इस गहरे सोच में वो बैठता था, तो शिव बाबा ने उसकी गहरी डीप लगन को देख हिम्मते बच्चा मदद बाप। बाबा ने उनको साक्षात्कार की लिफ्ट दी। जिससे उनको दिखाना था, तो तू ही मेरा एक सिकीलधा बच्चा है,
और ये आसुरी वृत्तियों वाली दुनिया को, विश्व को तेरे को ही बदलना होगा। मैं तेरा साथी हूं। इसलिए शुरुआत में ही बाबा को साक्षात्कार हुआ। तो कौन सा समय चल रहा है और क्या करना है क्या न करना है? विनाश इस पुरानी दुनिया का कैसे होना है वो दर्शी बाबा ने देखा साक्षात्कार में, और स्थापना नए विश्व की कैसे होनी है, क्या है नया विश्व, उसका भी बाबा ने साक्षात्कार किया। जब ये साक्षात्कार किया तो बाबा को दिखाई पड़ा तो कैसे यादव अपने बुद्धि से मूसल निकाल अपना ही विनाश खुद उन मूसलों द्वारा करते, और कैसे भारत में कैलमिटीज द्वारा, सिविल वार द्वारा खात्मा होता है पुरानी दुनिया का। प्रैक्टिकल बाबा ने समझा ये होना है, पुरानी दुनिया है, पाप किया हुआ है, पतित है, तो पतित को पावन बनाना, बदलना पूरा विश्व, मैं बदलूं तो विश्व बदले, सारा वो देखकर अपना खुद अनुभव अपने को क्या हुआ उससे, बाबा ने अनुभव किया तो मैं कैसे, आत्मा हल्की, शरीर नहीं, एक हल्की सी आत्मा ऊपर जा रहा हूं। बाबा ने पहला फाउंडेशन तपस्या का जो है वो साकार में अनुभव कराया। तो मैं भारी नहीं हूं शरीर से, शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं एक ज्योति बिंदु, लाइट हूं, माइट हूं। वो माइट और लाइट ऊपर जा रही है, अलग देखने लगा मेरी लाइट ऊपर कैसे जा रही है। धीरे धीरे जब उसको आत्मा का अनुभूति हुई तो उसने अपने मित्र संबंधियों को जो नजदीक में नजदीक, उनकी बहू, उनकी स्त्री वाइफ, उनको पत्र लिखना शुरू किया। हे जसोता, वाइफ का नाम था जसोता, बहू का नाम था राधिका। हे जसोता, तुम तो आत्मा हो, राधिका तुम आत्मा हो, छोटा सा अपने को पहचानो, आप कौन हो, इसके बगैर और कुछ नहीं लिखा। जैसे मनुष्य पत्र लिखते हैं देह का संबंध से, उसने उसमें देह देखना बंद कर दी, क्योंकि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी ऐसे ही है। तो पत्र भी जो प्रैक्टिकल में लिखना था वो ऐसे ही लिखा,
उस पत्र में शक्ति होती है। लौकिकता के पत्रों में देह का संबंध बना हुआ होता है, प्यार देह का, देहिक वृत्तियों का पत्र होता है। लेकिन शुरुआत साकार बाबा ने जो पत्र से किया, देह का संबंध नहीं था उस पत्र में, शक्ति थी। जो चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से घर वालों को वो शक्ति मिले, वो बाबा जो करण करावनहार शिव है, उसने उनसे कराया। और जब उन्होंने पत्र देखा, कहा क्या दादा को हो गया, कोई संबंध कोई प्यार का पत्र नहीं लिखा, सिर्फ लिखा तू ही आत्मा हो, चला गया हमारा देह के संबंध की वासना नहीं, प्यार नहीं, तू आत्मा हो, तू आत्मा हो, क्या हो गया बाबा को। उनकी नैन प्यार में भर के आया जरूर, मोह तो रहता ही है, जन्म जन्मांतर देह का प्यार होता है, अब वो कर्म बंधन छूटता है। टाइम आया, कल्याणकारी बाप कैसे बाबा को साकार को अपना बनाता है, सब भूल जाए सिकंदर में, तब मैं आऊं बुद्धि को साफ करना, दिव्य बुद्धि देना और उसका लाभ उनको मिले। बाबा ने उनसे कराया। जब बाबा आया लौकिक में, उनको वाइफ को अपना पति सामने होते भी नहीं दिखाई दिया, बहू को ससुरा नहीं दिखाई पड़ा, दोनों के अंदर से आवाज निकला बाबा बाबा बाबा। इतना बड़ा हो गया कि बाबा कौन है सामने, ये बाबा है, हमने तो पहचाना ही नहीं। वो उस आश्चर्य से बाबा को देखने लगे और उनको वासना आई, ये एक दिव्य मूरत हमारे सामने आई है, ये वो दादा नहीं है। आपको मालूम है जब भी वो सत्संग में बैठा, बॉम्बे में घर था बाबा का, गुरु आया था, उनका गुरुओं में बहुत निश्चय था, भक्ति थी, परंतु सभा से उठ के वो एक छोटे कमरे में बैठ गया एकांत में। उस घड़ी उनका परविष्टा शिव बाबा का उसमें होता है। जब उसका परविष्टा का टाइम आया, तब हम घर में बैठे हुए जो निमित बच्चे थे जिनों से यज्ञ शुरू कराना था, उनको करंट दी अपनी, क्योंकि हम भी भक्ति करते थे, चाहे श्री कृष्ण की, देवताओं की, छोटेपन से ही। एक अचानक करंट आई, कोई को साक्षात्कार कराया, कोई को करंट दी, परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार के बच्चों को अनुभूति कराई, तो मैं आ गया हूं, खिंचा अंदर करंट देकर।
और हम बहुत करके सब इकट्ठे बच्चे ही जिन्हों को भी बाबा ने करेंट दी, हम बाबा के घर में चले गए। उस टाइम बाबा को अपना जो लौकिक घर था वहाँ नहीं, पर एक छोटी सी कोठरी में बाबा पहले गीता का ज्ञान देता था। और अपने चाचे के साथ, मूलचंद के साथ दान पुण्य बहुत करता था। संस्कार दानी महादानी, बहुत वल्लभचारी कुल के, वैष्णो कुल के थे। धरनी तो पहले ही बन गई। जब प्रवेशता हुई, हम बाबा के आगे आए। आपको मालूम है तो हमारी लौकिक बहन भी, जिसके पति ने शरीर छोड़ा, माँ का एक बेटा था चला गया, तो हम बाबा के पास पहुंचे। उस टाइम मातेश्वरी भी थी, दादी भी थी, ये सब हम थोड़े टाइम का फर्क पड़ा। दो तीन मास में हम सब आ गए उस छोटे से कमरे में, जहाँ सिर्फ बहनें थी, भाई नहीं थे। शुरुआत में भी देखो, शिव बाबा को जो कन्याओं माताओं द्वारा स्वर्ग का गेट खोलना था, वो ही आके पहुंची, जिनसे यज्ञ में हमेशा यादगार है। तो आग होती है स्वाहा स्वाहा, ब्राह्मण बैठते हैं, कोई विघुन आता है शहर में, या कोई भी यज्ञ रचते हैं। ये तो सारे विश्व में विघुन था, अपवित्रता का दुखी थे, तो यज्ञ में समर्पित होते हैं। ये बाहर से समर्पित करते हैं तिरजव, परंतु बाबा ने हम बच्चों को ऐसी करेंट दी। आज भी हमको ये अनुभव नहीं है, हमने कोई संकल्प किया हम बाबा का बन जावे। करेंट से ही हम हो गए तुम्हारे, तुम हो गए हमारे। आज तक वो अनुभव है हमको। आप कहेंगे पहला अनुभव क्या है? तपस्या की, भक्ति का फल था जो बाबा ने हमको धक्का से, जैसे साकार ने में फीलिंग आई, शिव बाबा है, नई नई बातें सुनाए रहा है, नॉलेज सारी नई। वो नॉलेज नहीं थी जो गुरुओं ने सुनाया, लेकिन बाबा ने ब्रह्मा को साथ साथ हमको भी, कहते हैं नहीं मेरे साथ बाबा है, मैं सिकीलदा बच्चा भी हूँ उसका, उसकी वन्नी भी हूँ, भक्ति भी हूँ। उस द्वारा ही हमको भी खींचा, पहले ब्रह्मा बाबा पहचाना नई नॉलेज द्वारा, और उसका स्वरूप बना जो उनका फरमानदार और वफादार और ईमानदार। प्रैक्टिकल में उसने ऐसा सपूत बच्चे का संबंध जोड़ा, जिसको देख के भी हमने तपस्या शुरू की। बाबा हमारे को भी देह रूप से, या हमको ऐसा आवे ये पुरुष है, हमने तो बाबा को शुरू से कंबाइंड रूप में देखा।
माता पिता के संबंध में इकट्ठा देखा। अब करके पिछाड़ी में बाबा आ थोड़े समय से बाप दादा कहना सिखाया, लेकिन उस घड़ी हमको न शिव का पता न ब्रह्मा बाबा का नाम, इसका ब्रह्मा बाबा नाम है वो मालूम था, लेकिन अनुभव होता था ये हमारे मात पिता बड़े हैं, भगवान हमारे मात पिता है। माता पिता का संबंध जो है बाबा ने दिया जरूर, अनुभव कराया, लेकिन क्योंकि उसको रचना रचनी थी और समर्पित करना था हमको भी, तो पहले हमको भी बाबा ने मात पिता के संबंध में साक्षात्कार कराया। सिर्फ साक्षात्कार नहीं, सामने सामने दिखाया, अनुभव कराया मात पिता का हम बच्चे हैं। इसलिए पहले पहले जो बच्चे आए वो एक धक से, जैसे ब्रह्मा बाबा तुम हो गए हमारे, हम हो गए तुम्हारे, सेकंड में कुछ मालूम ज्ञान नहीं है हमारे पास कोई भी, पर हम समर्पित हो ही गए, अनुभव कराए दिया ये कौन है। ऐसे ही जब ये अनुभव हो गया, सारे परिवार के परिवार, जैसे बाबा के सारा परिवार ही समर्पित हो गया, जिनको नहीं होना था तो नहीं हुए, परिवार में कोई न कोई रह जाता है। ऐसे ही हमारे लौकिक परिवार में भी सब के सब समर्पित हो गए, जिससे यज्ञ ब्राह्मणों से रचना था, तो पहले चाहिए समर्पित जीवन। जब तक हमारी समर्पित जीवन नहीं है तो हमारी सच्ची तपस्या नहीं हो सकती। ये कर्म बंधन जो है, जिस बंधनों की जंजीरें पड़ी हुई है मनुष्य को, करियां पड़ी हुई है, जिकरा पड़ा है जंजीरों में, मेरे मेरे वो छूटी नहीं है। चाहता है मनुष्य, प्यार है भगवान से, लेकिन ये करियां कर्म बंधन की, हिसाब किताब आसुरी वृत्तियां खींचती है। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चे सिर्फ शरीर से समर्पित नहीं होना है, ये जो मन है बुद्धि है, जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना बनाया मन और बुद्धि से, ये शक्तियां सबके पास है, आपके पास है, वो मन मेरे को दियो, स्मृति स्वरूप बनो, मैं हूं कौन, कहां से आया, कहां जाना है, करना क्या है, वो सोचो आप अपना अपना। तो आपके मन जो रोता है वो मन मेरे को दे देंगे, समर्पित करेंगे, स्मृति स्वरूप बनेंगे, तो ये आपके कर्म बंधन खत्म होगा, आप खुद भी उड़ेंगे और उनको भी उड़ाए लेंगे। इन रस्सियों से, बंधनों से हल्के हो जाएंगे।
क्योंकि आपकी आत्मा एकदम हल्की ज्योति बिंदु स्वरूप है। आप हल्के हो, उड़ने वाले। शरीर अलग है, आप अलग आत्मा हो। आप चलते फिरते मैं कौन, अपने से ही प्रश्न करो, अपने से ही उत्तर दियो। जब बाबा भाषण करते थे तो भी ओम की धुनी, हम सब के नाम जब बोलते थे, पत्र लिखते थे, वो भी सिखाया पत्र कैसे लिखना है। बाबा ने कहा कभी नहीं पत्र में लिखो मेरी भाभी जी, मेरा भाई जी, फलाना मासी जी। ये नई दुनिया की स्थापना में कोई देह का संबंध नहीं, आप लिखो निज आत्मा। आप भी आत्मा हो, ओरिजिनल बच्चे हो, ये सब का बाप मैं ही हूँ, सब आत्माओं का। इसलिए कहा निज आत्मा देखो, पहले आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखना, ये अभ्यास करो। और बाबा हमको बिठा के पिछाड़ी में ओम की जब धुनी करते आया, तब हमको अनुभव होता तो शरीर हमारा अलग हो गया है, हम लाइट माइट आत्मा अपनी लाइट में बैठे हैं। हम उठते नहीं थे, उठ नहीं सकते थे, गहरी शांत में अंदर चले जाते थे। इसमें हमारा कोमल दिल मन सब बदलते रहे, अंदर ही अंदर फीलिंग आती थी सचमुच मैं कैसे प्योर होती जा रही हूँ। जैसे लाइट बाबा की मिलते सामने बैठता था, जैसे हमारा स्नान आत्माओं का हो रहा है, लाइट से धुलाई हो रहे हैं, आसुरी वृत्तियाँ बदल रहे हैं, ये हमको फीलिंग है। आज तक वो फीलिंग शुरू से कैसे बाबा ने हमको दिया करंट, कैसे बनाया, और हमारे से इतनी बड़ी विश्व की सेवा कैसे कराई। हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, और बाबा को हमने सदैव बाबा के आते ही बाबा देखा कंबाइंड रूप में। लौकिकता आई नहीं हमारे पास, चाहे लौकिक घर में सब आए। सिंधियों का मालूम है शराब कबाब खाना पीना फैशन बायोस्कोप नावल सब करते थे, सब बदल गए। टाइम नहीं लगा, अब टाइम लगता है। वो ऐसा टाइम था एक जैसे ब्रह्मा बाबा बदल गया, जल्दी में समर्पित हो गया मन से, ऐसे हम भी अंदर से मन से बुद्धि से उसकी याद। चाहे घर से आते थे जैसे घर से सभी आते थे, लेकिन मन हमारा बाबा के साथ रहा। खाना भोजन भी हम अपने आप पहले नहीं खाते थे, जब तक बाबा नहीं खाएगा हम कैसे खा सकते। उठते बैठते हमको उसकी लगन लगी हुई थी। उसके बाद यज्ञ की स्थापना के कार्य में से हम सब पवित्र रहे पूरा, तो बाबा आपको पता है दुनिया इसको समझ नहीं सकी, पवित्रता को नई बात थी। और कभी भी बहने सेवा में आवे, आगे आवे, समर्पित होवे, पवित्र बने, कभी हुआ ही नहीं जो बात। वो प्रैक्टिकल सब देख के आश्चर्य में हुए, तो आपको पता है पवित्रता क्या है, उसका ज्ञान तो किस में नहीं था, अपोजिशन हुई। लेकिन बाबा को हमने सदैव योग युक्त अचल स्थिर अडोल
उस रूप में सदा मुस्कुराए, सदा तपस्या की। गुप्त बाबा हमको कहता था, बच्चे कराची में मैं जाता हूँ थोड़े दिन के लिए, फिर आ जाता हूँ। खास एकांत लेने के लिए बाबा कराची में जाते थे रात रात को, जिसमें हमको पता नहीं था परे, क्योंकि वो चुंबक था उसके पीछे सुइयां पीछे चली जाती है, इसलिए बाबा हमको बताता नहीं था तपस्या का, पर चले जाके एकांत में तपस्या करते थे। इसमें एकाग्रता आती है, जब तक एकांत नहीं ली है एकाग्र चित्त नहीं हो सकता है। इसका अभ्यास हमने बाबा में पहले से ही देखा, शुरुआत से तपस्या का एकाग्र चित्त है। कर्म करते भी एकाग्र चित्त ऐसा बाबा ने बनाया, हमने देखा हमने पाया। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, शिव भोलानाथ मैंने पाया है, अनुभव से कहता है, वैसे साकार में शिव भोला भंडारी ब्रह्मा के माध्यम में कैसे प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा हमारे लिए सैंपल बनाए दिया। नॉलेज शिव बाबा की, लेकिन सैंपल जो तैयार हुआ उस नॉलेज से, वो हमने ब्रह्मा बाबा को देखा। उस टाइम ब्रह्मा बाबा शुरू में नाम नहीं था, वो शिव बाबा ने पीछे रखा सुनाया, परंतु पहले हम उनको ओम बाबा कहते थे। और हम सब जो पहले वाले बच्चे थे, हम सभी का नाम भी ओम, ओम प्रकाश मणि, ओम चंद्रमणि, ये नाम तो पीछे हमको मिले हैं, परंतु ओम रामा पहला नाम वो है प्रकाश मणि का। जो भी बच्चे थे बाबा थे, सबको पहले ओम कह के फिर कह नाम का उच्चारण करते थे। क्यों? तो ऐसे ना हो उनकी देह पहले याद आवे, शुद्ध आत्मा है ओम प्रकाश मणि, असली शुद्ध अनादिकाल से ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सब आत्माएं बाबा ने सबके लिए असली स्वरूप का ज्ञान आत्मा का दिया। आत्माएं पुण्यात्मा, आत्माएं पापात्मा कैसे होती है? योग से तपस्या से आत्मा पुण्यात्मा हो जाती है, एक योगी आत्मा के अंग पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाती है, फरिश्ता बन जाती है। इसलिए शुरू से ही हम बच्चों को ये सिखाया, तपस्या कराई, ऐसे कैसे बात करो, कैसे देखो, देखना सिखाया, आत्मा कैसे भाई भाई है, एक की संतान, निजात्मन। इसलिए कोई अवगुण कभी हमने किसका देखा नहीं, ये अभ्यास हो गया। तपस्या से ये बड़ा फायदा हुआ, जो किसका अवगुण हमारी बुद्धि में ये गंध नहीं भरा, अंदर नहीं आया। इसलिए हमारा सबसे प्यार, जैसे शिव बाबा ने शुरू से ही बाबा को बुद्धि को मन को अपना बना दिया, समर्पित कर दिया, फिर बाबा का परिवार समर्पित हुआ, फिर सबके परिवार समर्पित हुआ, यज्ञ स्वा हुए, उसके बाद हम ने देखा बाबा ने जो प्रैक्टिकल में सब लगे, तन मन धन साथ में तीनों ही सेवा में लगाए दिया, परिवार को भी लगाए लिया, हमको भी लगाए लिया, सैंपल हमारा ब्रह्मा बाबा।
जब नाम ब्रह्मा रखा शिव बाबा ने, तो कहा ये मेरा बच्चा ब्रह्मा है, जिस द्वारा नहीं रचना आप कन्याएं माताओं के द्वारा रचनी है, स्वर्ग का गेट आप पवित्र माताओं को खोलना है, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए चाहे दुनिया की कितनी भी बातें आई पवित्रता की, सब निश्चय बुद्धि रहे। निश्चय बुद्धि वैजयंती, अटूट बाबा में निश्चय। धर्त पर ये धर्म न छोड़िए, धारणाएं नहीं छोड़नी, ये पक्का। तो जब ये ब्रह्मा बाबा को देखा, हमारे से ये सेवा कराए रहा है बेहद विश्व की, आपको भी याद किया उसमें, सारे विश्व की आत्माओं को कैसे याद करके बाबा उनको संदेश दिया देता था, रात दिन जाग के अटल अथक सेवा न सिर्फ ब्रह्मा बाबा से कराई, साथ साथ हमारे से अंदर बैठ के तपस्या स्थान पर और ये सेवा की भी तपस्या कराई। तो मन और बुद्धि, दूसरों को संदेश देना, बाबा का बनाना, रहम करना, सहन करना, ये सब गुण सेवा से भरते गए भरते गए। साथ साथ एडॉप्ट किया, पराया, पराते पराते सेवा कराई, कर्म श्रेष्ठ सिखाया, मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र रहे। प्रैक्टिकल में जो भी सेवाएं हैं बेहद की, रात दिन कराई, कभी किताब बनवाए, कभी जार त्रिमूर्ति भर्त भराए, कभी भेजने का कार्य करे, जो बड़े बड़े लीडर्स होके गए, सबको शिव बाबा का संदेश पोस्ट द्वारा भेज ही दिया। महात्मा गांधी, एलिजाबेथ, भारत में जो बड़े बड़े मुखिए थे, ऐसे ऐसे बड़ों बड़ों को सबको शिव बाबा का संदेश 60 बरस पहले बाबा ने दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। विनाश की घड़ियां, मौत की घड़ियां सामने है, सीधा सेवा कराना। तो हमारे संकल्प चेंज जल्दी में हो गए, सेवा से संकल्प चेंज होते हैं, बदलते हैं, परिवर्तन होते हैं। और साथ साथ अभ्यास कराया, उसमें से हमारी 50-40 संदेश पुत्रियां बन गई, जिन्हों को साक्षात्कार हुई। उसमें से 5-4 थे जो संदेश हमारे लिए ले आती थी तपस्या का। तपस्या कैसे करनी है, आप 3 बारी खाते हो, आप हल्के कैसे होंगे, भारी शरीर रहेगा, 1 बारी खाओ, फिर अनुभव करेंगे, आपको नींद नहीं आएंगी, शांति में झूलेंगे नहीं, हल्के हल्के मन आपका उड़ जाएगा बाबा के पास, अपने घर में चले जाएंगे, घर भूला बाबा भूला, उनसे मिलना है, ये संगम युग मिलने का है, उनको कैसे प्यार से मन से मिलो। तो उन्होंने हमको संदेश आके दिया बाबा को, और हमारे नाम आते थे लिस्ट में। आज इन 20 का प्रोग्राम है तपस्या का, इनको अखंड योग करना है, रात दिन 2-2 घंटे के बाद, नींद नहीं, 2 घंटा सोए भले रात्रि में, फिर उठे योग करे,
फिर 2 घंटा सो के फिर उठ के योग करें। आदत इनसे क्या पड़े, नींद को जीतने वाले। हे बच्चे, निंद्रा तमोगुणी है, बहुत नींद नहीं करो तो खाना बाबा ने प्रोग्राम दिया हल्का खाए। इसलिए हमको एक कमरा बड़ा दिया, जिनको तपस्या करने संदेश पुत्री हमारा टीचर बन जाती थी और वो सारा प्रोग्राम लिख के बाबा को देती थी। तो सुबह में दूध, रात्रि में दूध, दिन में सफ़ेद भोजन, जीरी वाला आलू, सफ़ेद चावल, मूंग की दाल, बस रोज ये भोजन खाना है, जिसमें मिर्च मसाला और कोई चीज़ ऐसी नहीं, क्योंकि अन्न का असर मन पर पड़ता है। तपस्या है जी, एकाग्रता है। अन्न का मन पर असर मसाले, मिर्च मसाले तमोगुणी होती है। अब बुद्धि को बदलना है, मन को बदलना है, तो उनको भोजन पवित्र चाहिए, अपने हाथों से प्यार का, रूहानी प्यार का भोजन ब्राह्मण बनाए बड़े प्यार से, क्योंकि हम समर्पित यज्ञ में जल्दी हुए थे। बाबा के साथ कराची में 12 मास के बाद ही हम आ गए। उस बीच में बाबा ने बच्चों की हॉस्टल खोली थी, जो चित्र आपने देखा है, बच्चों की पालना कैसे बाबा ने की। जो बाबा ने विल की, तन मन धन समर्पित किया सेवा में, ब्रह्मा बाबा पहले ये सेवा में लगेगा। भगवान की पालना सब बच्चों को चाहिए, ट्रांसफर हो जावे। तो सबको कहा 5 से 12 बरस तक बच्चा हॉस्टल में रहेगा, जिसका खर्चा कोई माँ बाप नहीं करेगा। एक ब्रह्मा बाबा जो समर्पित हुआ भगवान के आगे, ट्रांसफर करके उसकी पालना शिव बाबा की इनको मिलेगी। वो सेवा में जब तक है सेवा में, पहले इनका लगेगा तो ताकत आएंगी। हम सबको मना कर दी, कुछ किससे नहीं, ये शिव बाबा का यज्ञ है, रुद्र यज्ञ, पहले उसका लगेगा तन मन धन। बड़ी ताकत है, ब्रह्मा बाबा समर्पित हो जावे, वो भोजन मिले ब्राह्मणों का, ब्रह्मा बाबा का, कितना शुद्ध पवित्र, कितनी शक्ति। उसने अचल स्थिर अडोल बनाए दिया। दुनिया में इतने विघ्न आए, अपने भी कई आए होंगे, पर मालूम नहीं पड़ा ये कोई विघ्न है, माया है, ये है, कैसे चलेंगे माया से। जैसे अभी संकल्प तूफान में आते हैं, चाहे उस टाइम भी आई हो, हमको मालूम नहीं पड़ा है। हंसते हंसते सब बातों को पार किया है, क्योंकि आगे ताकत थी हमारे सामने बाबा ब्रह्मा, जिसमें बाप दादा कट्ठे। धीरे धीरे पहचान आते आते वो सामने, जब भी हम कराची में आए हैं, हमारे साथ साथ अंग संग बाबा, अंग संग तपस्या। तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग बोलूं, ये प्रैक्टिकल था साकारम। सुबह से रात तक हम बाप दादा के साथ, तो नजरों में तो वो समा ही गया। उठते सब्जियां काटते थे, उसमें भी ब्रह्मा बाबा साथ में, बाप दादा। दौड़ते थे अबू में या कराची में भी, अंग संग बाबा, सारी दिनचर्या उनसे, तो कैसे वो भूल सकता है हमको। नैनों में ही समा गया, समाने की बात थी। कैसी पालना अपने की, दिल से, तन भी सेवा, मन भी सेवा, धन भी सेवा, तीनों ही लगाएगा तो ये प्यार है ना,
प्यार में कुर्बान हो गया शिव बाबा के, वो हमको खींचता है आज तक भी। सेवा जो बाबा ने की है अपने लिए बेगर, न मेरे पास कुछ होगा न मैं समझूंगा, तो ये मेरा है, इसलिए बाबा को दे सब, बाबा को खुद हाथ खाली। दुनिया में हमने कभी किसको ऐसे नहीं देखा, कुछ न कुछ अपने लिए रखता है मनुष्य। बीमारी आवे सीमारी आवे, कोई अपने लिए रखा हो बैंक बैलेंस। बाबा ने अपना सारी जायदाद, बिल्डिंगें, वो धन सारा परिवार को भी सब अर्पित करा के बेघर बनाए दिया। जब बेघर नहीं बनेंगे तो प्रिंस नहीं बनेंगे, बेघर तो प्रिंस, नाम वाणी ऐसी चलती थी। तो मेरे मेरे में जो अटैचमेंट थी वो तो खत्म ही हो गई, मेरा कुछ नहीं, मैं शिव बाबा का, मेरा बाबा बस, और कोई नहीं है, दूसरा सहारा भी वो ही है। और कुछ दुनिया ही भूल गई सारी, और तपस्या में हम कभी 2 मास का, कभी 3 मास का, कभी 1 मास का, कभी 15 दिन का, लिस्टें आती थी शिव बाबा, संदेश पुत्रियां वतन से ले आती थी। एक बारी बाबा ने कहा कि सबको तपस्या करनी है, कटी अभी पर्सनल की, कमरे में बैठ के एक बारी भोजन की अनुभव किया, अभी सबको इकट्ठा जो है तपस्या करनी है और मौन रखना है, कारोबार कोई नहीं करनी है। भाई दादियां हैं, सब दादियों को स्थूल कारोबार थी, वो कैसे छूटेंगी, इतने जने इकट्ठे हो गए 400-500। बाबा ने कहा आप निश्चिंत रहो दादियां, आप भी बच्चे बन जाओ, सब कारोबार दे दियो छोटे छोटे बच्चों को। वहां तितलियां थी, जो माताएं आई थी छोटे बच्चे ले आई, थोड़े बड़े हुए उन, तो देखो वो भी कैसे सीखे। और उनको सेम बाबा ने इतनी कारोबार चला के हमारे से अभ्यास कराया, तपस्या करो ऐसे नहीं, ऐसे करो ऐसे। अब बुद्धि एकाग्रचित तो ये सब अंग एकाग्रचित हो जाते हैं, मन बुद्धि से अंग अंग साफ होता है। एक बैठक सिखाई जो बाबा की बैठक आपने देखी होंगी, ऐसे करके बैठते हैं, सदी वसीदा बैठना। एक तो ऐसे था, दूसरा हमको कहते थे आत्मा आत्मा को देख रही है, दोनों का बुद्धि बाबा से जुड़ा हुआ और दोनों एक दो को अनादि संस्कार की आत्मा, बाबा का बच्चा, शुद्ध आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, नजर से नजर, हाँ दृष्टि दियो एक दो को, क्योंकि आंखें नहीं बंद करनी है, इसमें हमारा कर्म योग है, कर्म में हमारी आंखें खुली होती है, बंद नहीं होती है। तो अभ्यास ही खुली आंखों से कराया, ऐसे कैसे देखो, रूहानी प्यार दियो, जो मुख से बोलती हो ज्ञान वो अंदर से सोचो, ये बाबा का बच्चा शुरू से ही पवित्र आनंद स्वरूप ज्ञान उनका, अंदर सोचो फिर उस प्रेम के नजर से उसको देखो, कितना प्यारा है ज्योति बिंदु आत्मा बाबा का बच्चा, एक पिता की संतान, परिवार कैसे बाबा ने हमको मिलाया, कहाँ बिछड़े हुए थे। तो ये बाबा ने शुरू से हमको एक दो में सामने कहते थे बैठ जाओ, क्योंकि कर्म में तो बैठना भी होगा तो सोना भी होगा, तो ऐसे भी बैठ सोने टाइम में संकल्प भी करेंगे, उठते टाइम कौन सा करना है दिनचर्या में। तो यूँ सिखाता था,
तो बैठने में जो बाबा ने सुनाया एक दृष्टि विक्ट्री, भिन्न भिन्न मनुष्यों को तो हमेशा नई चीज़ चाहिए, नहीं एक तरीके से वो हो जाता है कहता है वही बात, वही देखना तरीका हो, कोई दूसरा रूप मिले। तो बाबा विक्ट्री, हम विजयी बच्चे हैं, तो ऐसे करके बिठाता था विक्ट्री के रूप में। तीसरा ओम जो बाबा शुरू से धुनी सिखाई, तो कहेगा ऐसे बैठो ओम के, सबको ऐसे बिठाता था गोल, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर बिंदी बाबा ओम में बिंदी, फिर वो अभ्यास कराया, नए नए तरीके मिल जावे योग करने के। और हम जब भी रास भी करते थे शुरू से, जैसे आप करते हो, पर बाबा बाबा नजरों में बाबा से कर रहे हैं, बाबा के बिगर कोई दिखाई नहीं पड़े, चाहे हंसे, चाहे नाचे, चाहे बैठे, चाहे सोने के टाइम, चाहे उठने के टाइम 4 बजे, चाहे दिन में भी हम योग करते थे 10 से 11, ऐसे ऐसे, चाहे हम सब्जियां कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पापड़ वेल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर्म भी करते हैं, तो भी बाबा हमारे साथ होता है था, तो हम जैसे नेचुरल हो गया योग, बातचीत दुनिया तो भूल ही गई हमारे को, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, हमको तो यही दुनिया दिखाई पड़ी, छोटेपन से भी थे। तो ये बदलना जो है हम सबका इकट्ठा और भी आने वाले है, ये बाबा पहले ही हमको बताते थे, अभी नहीं बताया है, 60 बरस पहले आपका आह्वान किया है बाबा ने, अब भी कर रहा है, खुद आता है, अब तक सेवा बाबा कर रहा है। सेवा बाबा न करे अव्यक्त रूप में, तो आपकी बुद्धि बाबा से कैसे जुड़े। आज बाबा से आपका इतना प्यार है, ये योग है, संबंध है, बाबा हमारा है, बाबा हमारे लिए आया है, कहां कहां से भागे आए हो।